बापुर साबरमती आश्रमत प्रधानमंत्री 1200 कोटी टका व्ययरे आश्रमर पुनर्निर्माण प्रकल्प मुकलि कोसरार आश्रम संरक्षण प्रकल्पर शुभारम्भणि दांडी यात्रार बर्षपूर्तित बापुर स्मृति विजड़ित साबरमती और कोसरार आश्रम दर्शन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 120 একৰৰ পৰা 5 একৰলৈ সাবৰমতী আশ্ৰম সংকুচিত হোৱাৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি ভূমি দখলকাৰী তিৰস্কাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সাবৰমতীৰ 63টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 36টা বাহগৃহহে অৱশিষ্ট থকা ঘটনাটো আক্ষেপ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাপু কাই এ সাবৰমতী আশ্ৰম দেশ কি হে নহী ইয়ে মানৱ জাতি ঐতিহাসিক ধৰোহৰ হৈ लेकिन आजादी के बाद इस धरोहर के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बापू का यह आश्रम कभी 120 एकड़ में फैला हुआ था। समय के साथ एक घटते 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 केवल 5 एकड़ में सिमट गया था, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो। उस साबरमती आश्रम को सहज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। 1200 कोटी टका व्ययरे मूल रूपर हाल सलनी नक साबरमती आश्रम संरक्षण संकल्प नरेन्द्र मोदी बापुर साबरमती आश्रम केवल भारत विश्वर ऐतिह्य क्षेत्र घोषणा प्रधानमंत्री बापुर ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरशील भारत सपोनक साकार करारो अंगीकार प्रधानमंत्री बापु पड़ी विगत दशक 25 कोटी लोकर क्षुधा दूर करार कथा उल्लेख करिले प्रधानमंत्रीगढ़ बापुर आशीर्वाद भूमिर पुरा भूमाल भारत द्रुत उन्नयने 140 कोटी भारतीय आशा पूर्ण कर संकल्प प्रधानमंत्री साबरमती केवल स्वाधीनता आंदोलन निकसित भारत तीर्थ कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1930 सन 12 मार्चर दांडी यात्रार बर्षपूर्ति 1200 कोटी टका व्ययरे साबरमती आश्रम पुनर निर्माण कर अहमदाबाद पोस्ट अफ आश्रम मुक्ति करे प्रधानमंत्रीगढ़ न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 नॉर्थ ईस्ट। बापुर साबरमती आश्रम प्रधानमंत्री 1200 कोटी टका व्ययरे आश्रम पुनर्निर्माण प्रकल्प मुकलि कोसरार आश्रम संरक्षण प्रकल्पर शुभारम्भणि दांडी यात्रार बर्षपूर्तित बापुर स्मृति विजड़ित साबरमती और कोसरार आश्रम दर्शन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 120 একৰৰ পৰা 5 একৰলৈ সাবৰমতী আশ্ৰম সংকুচিত হোৱাৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি ভূমি দখলকাৰী তিৰস্কাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সাবৰমতীৰ 63টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 36টা বাহগৃহহে অৱশিষ্ট থকা ঘটনাটো আক্ষেপ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাপু কা ইয়ে সাবৰমতী আশ্ৰম দেশ কি হে নহী ইয়ে মানৱ জাতি ঐতিহাসিক ধৰোহৰ হৈ लेकिन आजादी के बाद इस धरोहर के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बापू का यह आश्रम कभी 120 एकड़ में फैला हुआ था। समय के साथ एक घटते 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 केवल 5 एकड़ में सिमट गया था, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो। उस साबरमती आश्रम को सहज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। 1200 कोटी टका व्ययरे मूल रूपर हाल सलनी नक साबरमती आश्रम संरक्षण संकल्प नरेन्द्र मोदी बापुर साबरमती आश्रम केवल भारत विश्वर ऐतिह्य क्षेत्र घोषणा प्रधानमंत्री बापुर ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरशील भारत सपोनक साकार करारो अंगीकार प्रधानमंत्री बापू पड़ी विगत दशक 25 कोटी लोकर क्षुधा दूर करार कथा उल्लेख करिले प्रधानमंत्रीगढ़ बापुर आशीर्वाद भूमिर पुरा भूमाल
ভাৰতৰ দ্ৰুত উন্নয়নেৰে 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ আশা পূৰ্ণ কৰাৰ সংকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী। সবৰমতী কেৱল স্বাধীনতা আন্দোলনেই নহয়, বিকশিত ভাৰতৰ তীৰ্থ বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 1930 চনৰ 12 মাৰ্চৰ দাণ্ডী যাত্ৰাৰ বৰ্ষপূৰ্তিত 1200 কোটি টকা ব্যয়েৰে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি আহমেদাবাদত পোষ্ট্ৰপ আশ্ৰম মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।